हेलो फ्रेंड्स, मैंने जैसा आपको बताया था कि ये 8 नंबर की पिन है, इसके ऊपर 3.2 वोल्ट है, ये स्टैंड बाई में। ये आपकी 7 नंबर पिन है, इसके अंदर भी 3.2 वोल्ट है। अभी आपका ये 6 नंबर पिन है, 6 नंबर पिन पर अपने को 0.0 वोल्ट आते हैं। ये आपकी 5 नंबर पिन है, इधर 0.16 वोल्ट। ये हर एक बोर्ड में थोड़ा 19-20 फर्क रह सकता है। अभी ये आपकी 4 नंबर ग्राउंड है, ये पिन राइट प्रोडक्ट है, इधर 3.2 वोल्ट मिलेगा आपको। अभी ये आपकी 2 नंबर पिन है, अभी इधर कितना वोल्टेज है, खाली 0.8 वोल्ट है, ठीक है। ये स्टैंड बाई पोजिशन के दिखा रहा वोल्टेज, अब ये कितना है, एक नंबर पर 0.231 वोल्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको पावर ऑन करके दिखाऊँ, मैं इसको प्लग ऑन करने जा रहा हूँ। अभी एक नंबर पर देखिए, एक नंबर पर आपका हाई हो गया, हाई होने के बाद में वापस से लो हो गए, इसका मतलब कि अपना रीसेट करेक्ट है, आपकी प्रोसेसर अच्छी है, ठीक है। ये आपको दिखाएगा, उसके बाद में अगर आपका कोई वोल्टेज का इश्यू रहेगा तो ये आपको हाई और लो होगा नहीं, समझे आप। अभी मैं ये 2 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन पर आपको दिखाता हूँ, इधर खाली 0.8 वोल्ट है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको पावर ऑन करूँगा, ये देखो वोल्टेज वेरी होना चालू हो गया, समझे आप। उसके अंदर पिक्चर आ गई आपकी, इधर 0 वोल्ट हो गया। ये बिना एसी का काम खाली स्टार्टअप के लिए, समझे आप। अभी आप 5 नंबर पर देखेंगे तो आपको 0.004, उसके बाद में आप 6 नंबर पे देख लो, आपको वही दिखाएगा वोल्टेज, मगर ये वेरिएशन आपको खाली पिन नंबर 2 पर ही मिलेगा, समझे आप मेरी बात। सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट चेक करने वाली बात यह है, मैं आपको और एक टाइम पावर ऑफ करके दिखा दूँ। अभी देखो मैं फिर से पावर ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। अभी देखो ये वोल्टेज हाई हुआ, उसके बाद में फिर से लो हुआ, समझे आप। अभी मैं 2 नंबर पर देख रहा हूँ, पिन नंबर 2 पर, ये देख लीजिए आप। अभी जैसे ही मैंने पावर ऑन दिया इसको, तो इसके वोल्टेज वेरी होना चालू हुआ, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, जो भी होगा, समझे आप। अभी ये 0.0 वोल्ट पे आगे रुक गया। अभी आपको ऐसी अगर वेरिएशन देखनी है तो आप पिन नंबर 6 पर भी देख सकते हैं। अभी देखो, अभी मैं पिन नंबर 6 पर भी आप देख सकते हैं, मगर उतना क्लियर नहीं आता जितना ये पिन नंबर 2 पर आपको दिखाई देता। अभी ये देखो पिन नंबर 6 है, जैसे मैं इसको पावर ऑन करूँगा इधर भी वोल्टेज वेरी होता है, मगर आपको एक करेक्ट रिजल्ट पिन नंबर 2 पर ही मिलेगा, समझे आप। समझ गए ना सब लोग, कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और एक टाइम दिखा देता हूँ आपको इसकी थ्योरी। फिर से देखिए आप, अभी ये स्टैंड बाई में, अभी ये पिन नंबर 2 है, इधर खाली 0.8 वोल्ट है। जैसे ही मैं स्टैंड बाई से रिलीज करता हूँ, आपके वोल्टेज वेरी होना चालू होता है। ये अभी चालू हो गया थे, समझा। थैंक यू। मैं क्रिस्टल के कंडेंसर पर फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, ये आपको बराबर 24 मेगाहर्ट्ज ही दिखाएगा, समझे आप। अभी एक पॉइंट पर ले लिया, ये अभी दूसरी पॉइंट पर ले रहा हूँ, ये तो आपको दिखा दिया 24 मेगाहर्ट्ज, समझ गए आप। ये क्रिस्टल के ऊपर अपने को करेक्ट फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ेगी। इसके अंदर 2 पीएफ रहते हैं, पीएफ के ऊपर चेक कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी आपको 3 वोल्ट दिखा देता हूँ, इधर ये 3 वोल्ट है। अभी इधर वापस से स्टैंड बाय में डाल के आपको वापस दिखाता हूँ, आप सीआरओ पे देखते रहिए। अभी अपने को एक नंबर पे पल्स मिल रही है, इसका मतलब आपकी आईसी ऑसिलेट हो रही है। अभी मैं इसको वापस बंद करके चालू करता हूँ, फिर आपको ख्याल में आए। अभी देखो जैसे ही मैंने इसको पावर दिया, ये आपका वोल्टेज हाई हुआ, लो हुआ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी बन गई है, समझे आप। अभी मैं 2 नंबर पे आपको दिखा दूँ कि ये किस तरह से पावर ऑन होता है, आप पल्स देख सकते हैं। अभी ये 2 नंबर पे अपनी पल्स चालू है, जैसे मैं इसको पावर ऑन करता हूँ,
अभी आपका ये वेरिएशन जो आपने वोल्टेज वेरिएशन देखे थे ना, ये पूरी आपकी पिक्चर आ जाएगी। अभी इसका काम खलास, समझ गए फ्रेंडो? और एक टाइम दिखा दूँ, दिखा देता हूँ वापस। अभी मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ वापस। अभी ये पावर ऑफ कर दिया मैंने। अब देखो जैसे ही मैं इसको पावर ऑन दूंगा, वैसे ही आपके पल्सेस चेंज होना चालू होंगे, जो कि अपने को डिजिटल मल्टीमीटर पर वोल्टेज के हिसाब से दिखते हैं। ये अपने को इधर अभी चालू, ओके फ्रेंड्स, ठीक है, मुझे जरा दिखा। थैंक यू वेरी मच। अगर और कोई सजेशन रहेगा, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना।